नमस्ते बच्चों, आज हम 1 से 10 संख्या की कहानी सुनेंगे। बहुत पुरानी बात है, एक दिन एक चींटी खाने की खोज में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे जमीन पर चीनी के कुछ टुकड़े गिरे हुए मिले। उस एक चींटी ने बहुत कोशिश की, पर वह उन चीनी के दानों को नहीं उठा पाई। उसने एक और चींटी को बुलाया। अब एक और दो चींटियों ने मिलकर कोशिश की, दो चींटियां भी मिलकर वह टुकड़ा नहीं उठा पाई। तभी दो और चींटी वहां आई। बच्चों, क्या आप गिनकर बता सकते हैं यहां कुल कितनी चींटियां हैं? 1, 2, 3 और 4। बिल्कुल सही। अब 4 चींटियों ने मिलकर उन टुकड़ों को उठाया। फिर भी कुछ टुकड़े वहां बच गए। थोड़ी देर बाद वहां 3 चींटियां और आ गई। बच्चों, क्या आप गिनकर बता सकते हैं यहां कुल कितनी चींटियां हैं? बिल्कुल सही। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चींटियां थी। सभी चींटियों ने मिलकर उन टुकड़ों को उठा लिया। फिर भी कुछ टुकड़े बच गए। कुछ दूर खड़ी 3 चींटियों ने उन 7 चींटियों को चीनी के टुकड़े ले जाते हुए देखा। उन्होंने भी उन चींटियों की मदद करने के लिए सोचा। अब वहाँ कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 चींटियां थी। सभी ने मिलकर चीनी के सभी टुकड़े उठा लिए और अपने घर ले गई और मिलकर उन चीनी के टुकड़ों को खाया। बच्चों, अब आप बताओ, आपको यह 1 से 10 तक संख्या की कहानी कैसी लगी? अब आपकी बारी है, 1 से 10 तक की संख्या की एक कहानी लिखो और उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करो।